वेलकम बैक एवरीवन टू हेमलैंड। तो लास्ट एपिसोड में इनविजिबल एंटिटी अपने भाइयों को इस प्रिजन के अंदर से निकालने के बहुत ज्यादा नजदीक आ गई थी एंड मैंने और मेरे दोस्तों ने बहुत ही ज्यादा कोशिश करी उसको रोकने की एंड इन द एंड हम लोगों ने उसको बेवकूफ बनाया। इनविजिबल एंटिटी अपने भाई होगा लाले को इस प्रिजन के अंदर से एस्केप कराना चाहता था, इसीलिए मैंने अपने होगा लाले के क्लोन को बोला कि तू एज रियल होगा लाला वहां पे खड़ा हो जा एंड इनविजिबल एंटिटी एक्चुअली बेवकूफ बन गई और उसको लेकर अपने साथ चली गई। एंड उसके बाद गाइस जो के दिमाग में बहुत ही ओपी आइडिया आता है कि प्रोफेसर को बोला जाए कि कुछ ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन निकाल कि इनविजिबल एंटिटी इस प्रिजन के आसपास पहुंच ही ना पाए। लेकिन गाइस उसने हम लोगों को एक और टास्क दे दिया कि सबसे पहले नेदर के अंदर जो वाइब्रेशन करने वाली मशीन है उसको तोड़ के आओ, इसको डिस्ट्रॉय करके आओ, तब तक मैं वो बनाऊंगा नहीं। तो वो चीज हम लोगों ने करी लास्ट एपिसोड में जो कि तुम लोगों को एसजीओ की वीडियो के अंदर देखने के लिए मिलेगी। एंड आज मेरे को किसी भी हालत में इनविजिबल एंटिटी को तो रोकना ही रोकना है, साथ ही साथ मेरे को आज विजर्ड को एक्सपोज करना है, बिकॉज अगर विजर्ड एक्सपोज हो जाएगा तो 50% हम लोगों की जो प्रॉब्लम है वो यही खत्म हो जाएगी। सो इफ यू गाइस एक्साइटेड लीव अ लाइक, वीडियो का लाइक है मैं 3 लाख लाइक्स। एंड गाइस थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग सपोर्ट ऑन दिस सीरीज, दिल से गाइस थैंक यू सो मच एंड एंजॉय दिस वीडियो मैन। तो देखो गाइस ये वो मशीन है और अब तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ वाइब्रेशन एकदम खत्म हो चुकी है बिकॉज इसके ना अंजर पंजर ढीले कर दिया लास्ट टाइम पे विदर्स ने यहाँ पे। एंड भाई अब तो बना देगा तू वो परमानेंट सॉल्यूशन, अभी किसी भी कीमत पे तुझे बनाना है, फटाफट निकल निकल तू, अभी निकल जल्दी से निकल। एक चीज दिखा दो ना भाई, अपनी शक्ल दिखा देना एक बार, ये मैं अपने ऑडियंस को दिखाना चाहता हूँ। गाइस चेक दिस आउट, इसको जो पेला है ना लास्ट टाइम पे विजर्ड ने ना भाई, इसकी आंख देखो तुम लोग एक बार, ये नीली पीली हो गई भाई, ये सब छोड़ो हमारे पे बिल्कुल टाइम नहीं, गए हंसने का यहाँ पे। अभी आ जाओ गाइस फटाफट और यहाँ से नेदर से फटाफट बाहर निकलते हैं, बिकॉज अभी हम लोगों को इनविजिबल एंटिटी को रोकने का परमानेंट सॉल्यूशन तो लेना ही लेना है, साथ ही साथ भाई अपने को विजर्ड को एक्सपोज करना है। जल्दी आ जाओ गाइस बाहर यहाँ से फटाफट, मैं आ रहा हूँ फटाफट आ जाओ भाई, फटाफट आ जाओ। यानी गाइस तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी कि नेदर के अंदर वो कितना ज्यादा गंदा वेदर था इससे पहले, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया था यार, वही यार भाई कुछ अलग ही जैसा हो चुका गाइस हमारा नेदर, ऐसा हम लोगों ने कभी भी एक्सपेक्ट किया नहीं था। प्रोफेसर ने बोल दिया है कि अभी टेम्परेचर कम होते रहेगा बिकॉज फाइनली मशीन टूट गई, फाइनली नेदर की मशीन टूट चुकी है। वैसे सुनो मेरे को जाना पड़ेगा विजर्ड को एक्सपोज करने के लिए, अब आपको एक काम करना भाई, अब आपको क्या करना है, जब भी ये प्रोफेसर वो टेक्नोलॉजी बनाएगा ना जिससे इनविजिबल एंटिटी उस प्रिजन के आसपास ना आ पाए, आपको वो लेके जाना है और इनविजिबल एंटिटी को रोकना है भाई पूरे तरीके से। अरे मैं भी आ जाता हूँ ना, आपको हेल्प करेगी यार। ऐसे रुको 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 यार, नहीं 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 नहीं, पता मेरे को ना कोई ट्रस्टवर्दी बंदा चाहिए, मैं चाहता हूँ कि कोई ट्रस्टवर्दी बंदा इससे वो टेक्नोलॉजी ले और वहां पर जाकर उस इनविजिबल एंटिटी को रोके भाई, मैं किसी और पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकता हूँ। हेलो हेलो भाई, हेलो ओ भाई, ये देखो ये आ गया ड्रीम बॉय यहाँ पे। अरे भाई तुम लोग किधर हो, मैं क्या किस्मत है, इधर आओ प्रोफेसर के पास हो, क्या किस्मत है हमारी एसडीओ, ओ माय गॉड। अरे फिर बेस्ट है ना, एक काम करते हैं ना यार, ड्रीम बॉय यहाँ पे रहेगा, ये तो ट्रस्टवर्दी है ही, ये चलेगा प्रोफेसर के साथ और मैं चलता हूँ आपके साथ। हमारे पास अभी बहुत ही कम टाइम है, ठीक है ना। अब देखो प्रोफेसर ने ना हम लोगों को एक वादा किया हुआ है कि जो इनविजिबल एंटिटी उस प्रिजन को ब्रेक करने के लिए गई है ना डार्क हिमलैंड्स में, ये वहाँ पे कोई एक न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है, बनाएगा कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी एंड देन आपको उस टेक्नोलॉजी को लेकर वहां पर जाना है एंड उस इनविजिबल एंटिटी को उस प्रिजन को तोड़ने से रोकना है, ठीक है ना। आपको पता है ना उसने अगर आजाद कर दिया होगा लाला वगैरह को तो भाई सबको डिस्ट्रॉय हो जाएगा हमारा, तो आपको रोकना है और मेरे को ये काम अकेले करना है, आप लोग नहीं आने वाले साथ, आपकी जिम्मेदारी है ये। आप ये मान के चलो वहाँ पे आपका लाइब्रेरियन होगा, चाहो तो आप 3-4 बंदे हायर कर दो, ठीक है ना, बट आपको किसी भी हालत में उसको रोकना है और मेरे को और एसजीओ का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है। बेस्ट है भाई, बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट है, मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। आपके ऊपर भरोसा रख सकते हैं ना हम लोग। अरे क्यों नहीं रख सकते यार, क्या बात कर रहे हो तुम लोग, और एक बात बताओ वो मशीन डिस्ट्रॉय हुई नहीं हुई? अरे वो हम लोगों ने कर दी थी लास्ट टाइम पे यार, पर हम लोगों ने सिर्फ नेदर वाली की है तो बाहर वाली मशीन अभी तक चालू है, तो उससे आजू बाजू नेदर के अंदर का बाय द वे वो टेंपरेचर वगैरह सब कुछ अब कम होने वाला जो बढ़ गया था। एंड ड्रीम बॉय मेरी बात सुनो, हाँ मेरी बात सुनो, अब यहाँ पर टाइम की कमी मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर प्रोफेसर ने 1 घंटे के अंदर वो टेक्नोलॉजी बना दी जो ये बोल रहा है कि ये बना सकता है, अगर इसने बना दी 1 घंटे के अंदर तो ठीक है, अगर ये नहीं बना पाया, इसने बोला कि आधा घंटा और चाहिए, तो आप निकल जाओगे जो ऑलरेडी वहाँ पे हम लोगों ने यूज किया ना वो बीकन जैसी चीज जिससे हम लोग रोक रहे थे उसको लास्ट टाइम पे, तो आपको उसी का इस्तेमाल करना, तब भी आपको उस इनविजिबल एंट्री को रोकना, 1 घंटे के अंदर निकल जाओगे आप यहाँ से, ठीक है ना, ये है इंपॉर्टेंट चीज और मेरे को एसजीओ आपको निकलना भी, चलो फटाफट। एंड अभी गाइस लेट्स गो मैन, मैं और एसजीओ जाने वाले हैं विजर्ड को एक्सपोज करने के लिए एक बहुत ही स्पेशल जगह पे। देखो मैं तुम लोगों को एक क्यों बोल रहा हूँ, अरे तुम लोग उसको एक्सपोज कर, अरे भाई क्या मस्त काम पकड़ा है तुम लोग, एग्जैक्टली आज हम लोग विजर्ड के मुंह के ऊपर से नकाब उतार करेंगे क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है गाइस, ये चीज तुम लोग हमेशा देखना चाहते रहे ना, इस चीज के लिए एक लाइक मारो। पूरी तरह से इस सीजन में उसने वाट लगा दी है,
उसके पूरे कपड़े उतार देना भाई लोग। आपको उसको एक्सपोज करना है, मतलब एक्चुअली एग्जैक्टली करना क्या है आपको? देखो 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 ऐसे, अब आपको याद होगा कि पहले से लेकर विजार्ड हमारे साथ था लास्ट सीजन में, पूरे तरीके से हमारे भाइयों की तरह हमारे साथ रह रहा था, बट अचानक से उसका ऐसा क्या हो गया कि वो हमारे खिलाफ हो गया, वो इविल बन गया अचानक से? ऐसा क्या हुआ भाई? होगा ही, वो दिल से ही इविल ही होगा ना स्टार्टिंग से। नहीं भाई, ऐसे आपको पता है उसने बहुत मदद करी है हमारी, और वो दिल से मदद कर रहा था। अब मुझे देखना है कि क्या वो एक्चुअली भी इविल था जो ऐसे बोल रहा है, या फिर उसके दिमाग में किसी ने वशीकरण कर दिया। कुछ तो गड़बड़ है। और उसका पता गाइस हम लोगों को कहां चलेगा पता? विजर्ड के आइलैंड पे जाके। तुम लोगों को याद होगा मैं बहुत पहले अपने गलती से विजर्ड का जो वो स्पेसशिप है उसके थ्रू जो ट्राय पोर्टल जगह है वहां से गलती से हम लोग उसके अंदर पहुंच गए थे उस विजर्ड के आइलैंड पे। तो अभी हम लोगों को वहीं जाना है, वहीं पे हम लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने वाले हैं। ऑल राइट गाइस, तो देखो हमारे यहां पे एक और बंदा जुड़ चुका है, ये है हमारा ड्रीम बॉय। ड्रीम बॉय का लाइब्रेरियन प्रोफेसर नहीं है भाई, ये बड़े प्रोफेसर से कम भी नहीं है। एंड गाइस इसको यहाँ पर लेकर आने का एक बहुत ही स्पेसिफिक कारण है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। एंड इसको भी बाय द वे एज़ियो ने यहाँ पर एक इलाइट्रा दिया है, बिकॉज बिना इलाइट्रा के यहाँ से ऊपर जाना बड़ा मुश्किल है भाई। एंड आराम से आना भाई, आराम से आना भाई, आराम से आना भाई, आराम से आना भाई। कैसा लग रहा है भाई पहली बार उड़ के? भाई इतनी पढ़ाई लिखाई की, पर उड़ाया तेरे को मैंने ही, पता है? आज पहली बार जिंदगी में उड़ा है भाई ये बंदा, ये ना इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट ने उड़ा दिया इसको। तो ठीक है गाइस, देखो अब यहाँ पे ट्राय पोर्टल के पास आ चुके ब्रो, आजा जल्दी फटाफट। एंड अब आपको ना एक काम करना मेरा यहाँ पे, अब आपको इनमें से, क्योंकि देखो तुम लोगों को बताओगे ट्राय पोर्टल हम लोगों को हिमलैंड के अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग लोकेशन के साथ कनेक्ट करना है। तो भाई सुन, यहाँ पे तेरे को ना जो विजर्ड का आइलैंड है ना, तेरे को शायद से एग्जैक्ट तो नहीं पता होगा विजर्ड का आइलैंड कौन सा है, बट तेरे को फाइंड करना है और मेरे को इस पोर्टल को कनेक्ट करके देना है विजर्ड के आइलैंड के साथ, ताकि मैं और एज ए डैक वहां जा सके। भाई फटाफट इसको कनेक्ट कर, जल्दी जल्दी फटाफट। कुछ शायद हो गया इसका। ओह कुछ तो हुआ है, रुको गाइस मैं से बात करके आता हूं। ऑल राइट गाइस, मैंने से बात करी, ये मुझे पता क्या बता रहा है ना कि ओवरऑल 400 से ज्यादा वर्ल्ड्स कनेक्टेड है इन ट्राय पोर्टल के साथ, 400 से ज्यादा जगह है इस वर्ल्ड की। लेकिन अब 400 में से कौन सा विजर्ड का आइलैंड है इसको पता नहीं है, बट भाई तू मुझे एक बात बता, एक और बार चेक कर और ये देख कि आइलैंड टोटल कितने कनेक्टेड है, आइलैंड्स वो चेक कर, जा जल्दी फटाफट और मुझे बता। ऑल राइट गाइस, तो भाई ये बंदे ने मेरे को बोला कि ओवरऑल 8 आइलैंड्स कनेक्टेड है, 8 में से एक विजर्ड का आइलैंड है और 7 कोई अलग अलग आइलैंड्स होंगे। भाई अब क्या कर, एक एक करके सारे आइलैंड को कनेक्ट करना पड़ेगा तेरे को। एंड हम लोग एक एक करके जाएंगे, जो हमारा विजर्ड का मेन आइलैंड होगा फिर वहां पे हम लोग गाइस विजर्ड को एक्सपोज करने की तैयारी स्टार्ट कर लेंगे। मैं तुम लोग को बता रहा हूँ बहुत ही ओपी आइडिया मेरे पास, तुम लोग देखो, मेरे को कुछ याद आया अभी इससे पहले एक्चुअली। और रह गए तो इसने पहले वाले आइलैंड के ऊपर इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। चलो एसजी जी, लेट्स सी मैन, जो होगा देखा जाएगा। गणपति अप्पा मोरिया से पहले में आ गया। व्हाट, ओह माय गॉड, भाई साहब ये है क्या? अरे यार इसने इतना बड़ा महल बना के रखा है यार, विजर्ड को इतनी जगह का यूज क्या है यार जीवन में? वही एसजीओ, देखो ना उसके पास पूरा हिमलैंड पड़ा हुआ है, इतनी ज्यादा हरकतें कर रहा है। एनर्जी थोड़ा सा ध्यान से आना ठीक है, ज्यादा शोर नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे, बिकॉज वी डोंट नो कि यहाँ पर विजर्ड अभी होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना? चलेगा धीरे धीरे। मेन सीन ये है कि देखो ये जो जगह है ना, ये मुझे तुक्के में मिली थी, मैंने इस पहले बताया था ना आपको, जो ट्राय पोर्टल वाली जगह है वो गलती से विजर्ड ने यहाँ पे कनेक्ट किया, क्योंकि वो यहाँ पर आया था एंड उसके पीछे पीछे मैं आया एंड मुझे वाली जगह मिल गई, विजर्ड का सीक्रेट आइलैंड। एंड यहाँ पे कंफर्म कैसे हुआ कि ये विजर्ड का ही आइलैंड? विजर्ड, अरे खुद आया था विजर्ड यहाँ पे। एंड उसके बाद यहाँ पे ना, जब क्योंकि देखो मुझे पहले लगा कि शायद से कोई और आइलैंड हो सकता है ये, लेकिन यहाँ पे ना एक बहुत ही तगड़ी सी जेल है और उस जेल के अंदर एक बहुत ही बुजुर्ग अंकल है यार, बहुत टाइम से लेकर फंसा हुआ है। तो उसने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी कि विजिट यहाँ पे आता है उसको विजिट करने के लिए, और उसी ने उसको यहाँ पे फंसाया हुआ है, तो उसी का आइलैंड है ये। एंड अभी आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि इस आइलैंड के अंदर ना 100% हम दोनों को ना विजर्ड के खिलाफ कोई ना कोई सबूत मिलने वाला है। अभी मैंने बहुत टाइम से लेके चीज करना चाहता था, लेकिन इनविजिबल एंटिटी एंड फालतू की एंटिटीज वगैरह यहाँ पर आके ना हमारे को डिस्ट्रैक्ट करी थी, बट आज ही नहीं गाइस, आज विजर्ड को एक्सपोज करके रहेंगे। पर ये दादाजी को आपने आजाद वगैरह क्यों नहीं किया यार, मुझे समझ अरे ऐसे भाई अनब्रेकेबल ब्लॉक से बनी हुई। अभी दो बंदे लाल और ग्रीन वाला बंदा मुझे हल्का सा लाल दिखा ऐसे यार, ये तो यहाँ पे क्या, वापस आओ वापस आओ वापस आओ ब्रो। ये दोनों कौन मतलब, है देखो ड्रीम बॉय इनको लाल चटनी हरी चटनी बोलता है मजाक के लिए। अरे ये लोग वही है स्टैचू वाले, सेम है स्टैचू वाले, इनका नाम बता कैसे हो, रेड डेविल और ग्रीन डेविल। अब आप मुझे एक बात बताओ, उन जो हमारे इंग्लैंड पे वो जो दो स्टैचूज बने हुए थे रेड और ग्रीन डेविल, उनके बीच में कौन था वो? कनेक्शन है। और आपको मैं एक बात बताऊ, ये जो दो बंदे हैं ना, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था बहुत पहले कि विजर्ड इनको हमारे किंगडम के सीक्रेट भेज रहा था, स्क्रीनशॉट वगैरह खींच के भेज रहा था भाई, फोटोज वगैरह हमारे किंगडम की,
दिस मींस कि विजर्ड ना इनके लिए काम करता है ये। ओ शिट, इसका मतलब ये ग्रीन और रेड डेविल का वही आइलैंड है। भाई साहब मैं सोच रहा था कि विजर्ड का है ये। मे बी, अरे पर ऐसे भी हो सकता है ना, मे बी ये लोग विजर्ड के लिए काम कर रहे होंगे। नहीं ऐसे ऐसा नहीं हो सकता, पूछो क्यों। क्यों? क्योंकि जब विजर्ड ना हमारे किंगडम के जब स्क्रीनशॉट इन दोनों को दे रहा था तो इन दोनों में से एक बंदे ने विजर्ड को पंच मारा, यूं करके पंच मारा। ओ मतलब दादागिरी वगैरह कर रहे हैं उसके। इसका मतलब हो गया कि जो विजर्ड है वो इनके लिए काम कर रहा है। आजाजू एक काम करते, अब थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि ये इन दोनों का नाम एक्चुअली में रेड डेविल और ग्रीन डेविल है। आज तक कभी हमारी फाइट टीम इन दोनों से, बट मेरे को शक है कि ये दोनों होंगे असली बाप यहाँ पे। मैं ऑनेस्टली बता रहा, इधर आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ। वो दादाजी वाली जगह नहीं थे यार, मुझे से वेपन नहीं थे क्योंकि ये बहुत सीक्रेट आइलैंड है, यहाँ पर कोई आ ही नहीं सकता है। वो तो मैंने तुक्के में खोज दिया इसको उस टाइम पे। यार वो जगह ना अंदर जाने की इधर ही किधर वो एक बटन था यहाँ पर, पता नहीं कहाँ गया, मैं भूल गया हूँ यार। एक मिनट रुको ना, एक काम करते ना, पहले थोड़ा एक्सप्लोर वगैरह करते थे, कुछ और क्लूज वगैरह मिल जाएंगे ना। मेरी बात सुनो, क्लूज वगैरह हमको मिलेंगे। आपको पता है जब मैं यहाँ पर आया था तो आई गेस मुझे याद नहीं आ रहा यार, उस टाइम पे भी शायद से लाइब्रेरियन ने मेरी मदद करी थी ट्विन बॉय के, या तो फिर दूसरे वाले लाइब्रेरियन ने करी थी, मेरे सबसे इंटेलिजेंट वाले लाइब्रेरियन ने। एंड उसने मुझे पता क्या बताया था ना, कि इस पूरे के पूरे आइलैंड में दिखने का भी बहुत छोटा सा आइलैंड है, बट यहाँ पे ना बहुत सारे सीक्रेट रूम्स वगैरह है। एंड जो ये प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा सीक्रेट जगह पे थी और मेरे को अभी यहाँ पे दिख चुकी है वो जगह, और हम लोगों को पहले वहीं जाना पड़ेगा क्योंकि अभी साइलेंट पे जो वो रेड डेविल और ग्रीन डेविल घूम रहे हैं। अगर उन्होंने हमको देखा तो हमें नहीं पता वो दोनों कितने ज्यादा स्ट्रांग है। तो इधर आ जाओ, ये रुको ये वाला बटन दबाओ, ये रुको यहाँ पे बटन, ये रुको। अरे देवा ये हमने बटन देखा नहीं, ये रुको यहाँ पे। भाई साहब बहुत ज्यादा औसम चीज है, अंदर वापस आओ आप एक बारी। एंड अभी हम दोनों को इसको दबाएंगे, नहीं इसको नहीं, इस वाले को दबाएंगे तो दोबारा से बंद हो चुका। अब देखो जियो, मैं आपको यही तो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रखो यहाँ पे, यहाँ से नीचे है वो सीक्रेट प्रिजन। भाई साहब जब मैं फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे आया था ना, जो तो मेरी जो बैंड बजी थी ना वो मुझे ही याद है, और मैं मेरे को यहाँ पे अपने हाथ में टॉर्च पकड़नी पड़ेगी। यार हम लोग दुनिया के पहले लोग हैं जो प्रिजन के अंदर खुद से जा रहे हैं, तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि नहीं जाना चाहिए हम लोग को। अब आप यहाँ देखो भाई क्या क्या क्लचेस किए थे मेरे। अरे मैं नीचे गिर जाऊंगा, मैं नीचे गिर जाऊंगा। अरे भाई साहब रुको, मैं अभी मेरे को लाइटर से बाहर आना पड़ेगा, मैं अभी मर भी सकता हूँ बाय द वे, क्योंकि मेरे पास सिर्फ सिर्फ मैं देख रहा हूँ आप उल्टे हो लिटरली। मैं बह गया, मैंने स्क्रीनशॉट निकाला मेरे को इस पोजीशन में इंस्टा पे डालूंगा। मैं उल्टा गिर रहा हूँ क्या सच में, मैं उल्टा गिर रहा हूँ। गिरेगा ये लौंडा, गिरेगा भाई। अच्छा सुनो, मैं जैसे यहाँ से नीचे गिरूंगा आप एकदम से सामने की साइड के लिए आ जाओ, ठीक है। चलेगा चलेगा, उसका टेंशन मत लो, उड़ के जाना है आपने आराम से एकदम बढ़िया से। भाई गिर जाओ ना, कितना टाइम लगता है भाई इसको। ओ माय गॉड ब्रो, भाई साहब मैं क्यों लटका हुआ। आराम से भाई क्या करना चाहते हो भाई, तुम डरा रहे हो। अब यहाँ पे थोड़ा अंधेरा रखेंगे क्योंकि ना हम लोगों के लाइट लेके आगे नहीं जाना, मैं गलती से लाइट लेके आगे चला गया था। ओ शिट, यहाँ पे कैदी पूरा सूख गया है। अरे वही खत्म हो चुके भाई कैदी यहाँ पे है जो। अब आराम से आना, यहाँ पे हम लोग लाइट नहीं लगा सकते। ऐसे लास्ट वाले में देखो, यहाँ पर शायद बुजुर्ग अंकल होगा, अभी तक वही है। वो देखो वहाँ पे उसकी आंखें देख रहे हो आप, यू बोल रहा है कितना गंदा आदमी है, बेचारा बुजुर्ग अंकल है यार। इसकी आंखें ऐसे टेढ़ी पता क्यों हो गई ना, क्योंकि ये यहाँ पे पिछले पता नहीं कितने, मैं तो भूल ही गया, मुझे पहले ही बोल रखी थी कितने सालों से ये बंदा यहाँ पे कैप्चर्ड है। अरे ये तो चकना है। अरे नहीं ऐसे हो भाई, यहाँ देखो आप, यहाँ देखो आप, ठीक है ये देखना आपने, जैसी लाइट हाथ पे आती है ये बंदा अपना मुंह घुमा देता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कितने टाइम से लेके यहाँ पे अंधेरे में रह रहे हैं भाई, इसकी आंखें ना ये लाइट पे यहाँ पे सहन ही नहीं कर सकती, देखो घूम जाता है हर बार ये। ओ ये पैसा घूमेगा ये रहो यहाँ पे जैसे। अरे मैं इसको फालतू में तंग कर रहा हूँ यार, क्या छोड़ो। हाँ क्यों तंग बिचारे, अंकल जी याद है आपको, मैं बहुत पहले आया था यहाँ पे एक बारी, बहुत पहले यार, पता नहीं इसको याद होगा कि नहीं होगा, बट मैं यहाँ पे आया था। मैं पूछू क्या, मैं पूछू उसको, आप डराना मत इसको सिर्फ, ठीक है किसी बातन नहीं नहीं बोल रहा। अरे मत डरो यार, बेचारा बहुत ज्यादा शरीफ अंकल है। चलो सुनो अंकल, यार हमको आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी यार। अब यहाँ से ना इसको ऐसे हम लोग आजाद भी नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि यहाँ देखो आप कोई चांस नहीं, यहाँ पे ना कोई बंदा ये टॉर्च भी नहीं लगा सकता भाई, ये देखो टॉर्च भी नहीं लगती नीचे, सीरियसली बता रहे हो, पानी भी नीचे नहीं लगा सकते हम लोग, क्योंकि ये जगह ही ऐसी बनाई है भाई इन लोगों ने, तो इस बंदे को निकालना ही इम्पॉसिबल है यार, वरना इसको मैं निकालता। अंकल थोड़ा नजदीक आओ ना, हमको आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही एक्चुअली, और हमको आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए विजर्ड से लेकर यार, सब कुछ बताओ प्लीज हमको यार यहाँ पे, कि एग्जैक्टली यहाँ का सीन क्या है इस जगह का, ठीक है भाई। ऑल राइट, तो अंकल जी से हम लोगों ने यहाँ पर बात करी है। अरे सॉरी, थोड़ा साइड में, थोड़ा साइड में, यहाँ पे आओ,
अरे मेरे को थोड़ी लाइट चाहिए होती ना भाई बोलने के लिए, लोगों को माइक चाहिए होते हैं, इसको लाइट चाहिए बोलने के लिए। तो ठीक है गाइस, देखो यार अंकल जी से हम लोगों ने बात करी तो यार ये हमें पता क्या बता रहे हैं ना, इन्होंने मेरे को 3 से 4 टाइप की चीजें बताई यहाँ पे, कि जो रेड और ग्रीन डेविल है वो भी यहाँ पे इसको विजिट करने के लिए आते हैं, और विजर्ड भी बार बार इसको यहाँ पे विजिट करने के लिए आता है, बार बार आता है ना। गेन अभी तक वो बंदा वो वाली हरकतें करता, तुम लोगों को याद होगा कि वो जो पानी के बीच बार बार जाना वगैरह वाली, क्योंकि पानी के बीच जाना विजर्ड को बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई ना कोई उसका राज है। और इसने भी ये बोला कि बहुत ही ज्यादा ऑड बात है ये, हर बार जाता रहता है, पर कभी कभी ये एक एक घंटे का ब्रेक भी ले लेता बीच में, एक घंटे तक से बात कर रहा होता है, एंड उस बीच पानी के बीच जाएगा भी नहीं, तो कभी कभी ऐसी हरकतें भी करता है। अब देखो यार गाइस, इसके अलावा इसने मुझे ना एक और बात बताई है जो कि मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगी, मेरे को लगता नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्यों अजीब? मुझे भी लगता नहीं है, बिकॉज अजीब ही है, क्योंकि आप लोग इतने तो अंधे हैं नहीं, पर अब मैं तुम लोगों को गाइस वो बात अभी बताऊंगा, टाइम वेस्ट वाली बात है। अभी हम लोग यहाँ से बाहर निकल कर ना इस आईलैंड को अच्छे से चेक करना पड़ेगा। इसने हमें बोला कि यहाँ पे एक्चुअली में जो विजर्ड वगैरह है ना ये, और वो लाल चटनी हरी चटनी, इसने मुझे एक बात बोली आज पहली बार जिंदगी में, वो ये है कि जो 3 बंदे है ना विजर्ड और वो 2 बंदे, ये लोग इसी आइलैंड पे रहते हैं, ये इनका घर है, इनका जो वो घर है ना ऊपर हम लोगों ने देखा, वो एक्चुअली इनका लाइक होम वाला होम है। तो इसने बोला कि 100% अगर हम लोग इस आइलैंड को चेक करेंगे ना, तो इस टाइप की कम से कम 50 प्रिजन्स और मिलने वाली है, एंड हो सकता है उसके अंदर भी और बंदे होंगे। एंड उसके अलावा जो एक और बात है गाइस, वो ये है कि इस आइलैंड में ना हम लोगों को विजर्ड का राज के ऊपर से पर्दा 100% उठने वाला है, किसी भी हालत में ऐसा होगा ही होगा, तो अंदर आ जाओ भाई आप। एंड आज किसी भी हालत पे इस आइलैंड के ऊपर से ना अपने को विजर्ड को एक्सपोज करना ही करना है, जो उन रेड और ग्रीन डेविल का ध्यान देना भाई, गलती से दिखे ना अगर हम उनका ध्यान देखता हूँ मैं पहले उनको, ये तो आधी बातें बताता है, उनको बताओ तो सही सबको कि उसने बताया हम लोगों को डायरेक्शन के बारे में। हाँ गाइस सुनो, यस एग्जैक्टली, इस बुजुर्ग अंकल ने मुझे एक और बात बताई यार, कि ये बुजुर्ग अंकल ना अभी 2 बातें और बताई इसने बाय द वे, कि ये बंदा यहाँ पर कैप्चर्ड क्यों हुआ, लास्ट टाइम इसने मुझे बताई नहीं थी ये बात, आज इसने मुझे बताई एग्जैक्टली कि इस जेल के अंदर इसको कैप्चर क्यों किया गया। मैं इस कोने में छुपा रहता यार, कोई अगर आ गया ना गलती से वो दोनों, तो एटलीस्ट मैं सेफ रहूंगा। अरे मैं से घूम रहा हूँ पागल की तरह। तो गाइस ये बंदा भी ना हम दोनों की जगह यहाँ पे स्पाई करने आया था बाय द वे, एंड दैट्स व्हाई इसको यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए प्रिजन के अंदर डाल दिया गया है, कि जब तक ये बंदा मरेगा नहीं तब तक बंदा प्रिजन के अंदर ही रहेगा। समझ रहे हो तुम लोग, कि अगर हम लोग आज पकड़े जाते हैं ना जो रेड और ग्रीन डेविल से, तो हम लोगों को भी किसी ना किसी जेल में डाल देंगे, देन हम लोग कभी यहाँ से बाहर आ नहीं पाएंगे। एंड इसके अलावा इसने एक और बात बताई, वो ये है कि इसने एक चीज नोटिस करी थी, जब ये यहाँ पे स्पाई करने के लिए आया था तो उसने एक चीज नोटिस करी थी कि उस टाइम पे ये जो लाल और जो ये हरे वाले बंदे है ना, ये लोग छोटे छोटे थे बहुत ज्यादा। तो गाइस उस टाइम पे इसने एक चीज नोटिस करी थी इन लोगों के बारे में, वो ये थी कि जिस डायरेक्शन से सूरज निकलता है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है, गाइस सूरज निकल रहा है कि ढल रहा है अभी मुझे पता नहीं है, पर जिस डायरेक्शन से सूरज निकलता है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये लोग हमेशा जाते थे, अब ये नहीं पता कि कहां जाते थे। एंड अभी गाइस हम लोगों को बस एक चीज का वेट करना है कि एग्जैक्टली सूरज, आई गेस एज यू जब से लेकर हम लोग आए ना, सूरज उस साइड के लिए ढल रहा है नीचे के लिए, तो उस डायरेक्शन में चलो आप, यहाँ कहीं से ये लोग जाते थे और उसको पता कहीं गायब हो जाते थे। लाइक इसने मुझे बोला कि तो यहाँ पर कहीं पर ना कोई सीक्रेट वो तो है। अब ये वाला बटन तुम लोगों को पर दिख रहा होगा लीवर, ये लास्ट टाइम भी मैंने यहाँ पे ना ऑन ऑफ वगैरह किया था बहुत बार, बट इसे कुछ होता नहीं है। मैं तुम लोगों को फिर से दिखा देता हूँ यार, तो देखो ऐसा अगर मैं इसको यहाँ पे ऑन ऑफ वगैरह करता रहूंगा तो कुछ नहीं होगा भाई, इससे कुछ भी नहीं होता है। तो इसके अलावा और यहाँ पे कोई ना कोई सीक्रेट एंट्रेंस ऐसी जरूर है जहाँ पर ये लोग जाया करते हैं, और जहाँ अगर हम लोगों ने वो चीज ढूंढ ली ना, तो हो सकता है कि हम लोगों को बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाए। स्मार्टी मैं ऊपर से देख रहा हूँ यहाँ पे कहीं पे मुझे रास्ता दिख तो नहीं रहा यार कोई से, ऐसे आप वही जा रहे जिधर के लिए वो बंदे गए थे नीचे, तो अगर उन्होंने देख लिया आपको नहीं देख पाएंगे वो, मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ, हम लोग जेल में चले जाएंगे यार कसम से। तो एक डायरेक्शन हमारी ये पेड़ वाली, एक ये वाली डायरेक्शन में, तो ऐसे इधर को आओ, ये ऊपर कुछ तो ऐसे रेडस्टोन वाला क्यों है यार, ये यहाँ पे मैं यहाँ से ऊपर गया हूँ पहले भी यार, वहां से ऊपर कुछ भी नहीं है, आप इधर आओ एक बार यार, यहाँ पे कहीं पर देखते हैं ना, बिकॉज मेरे को इतना याद है लास्ट टाइम पे जब मैं ऐसे यहाँ पे आई गेस मैं टाइम ट्रेवल करके भी आया था यहाँ पे एक बार टाइम मशीन के थ्रू, तो वहां पे ना नीचे बहुत सारे ऐसे गुफाएं टाइप बनी हुई है, हो सकता है इधर किसी गुफा के अंदर गए हो भाई ये लोग, यहाँ पे देखता हूँ नीचे तो कुछ ऐसे दिख नहीं रहा मुझे स्पेशल, यहाँ पे वो काला काला क्या है वो नीचे, नहीं वो तो परछाई है, वेट वेट यहाँ से नीचे कुछ तो दिख रहा है मेरे को भाई, एक सेकंड रुको, मैं यहाँ पे ना लिटरली गाइस मेरे को याद है जब मेरे पीछे वो पड़ा था विजर्ड, तो मैं यहाँ से ऊपर मैन हंट करके गया था, ठीक है दिख रहा है आपको कवर स्टोरी मैंने लगाए थे, यहाँ से नीचे कुछ तो है, यहाँ से नीचे कुछ तो है, वेट अ सेकंड भाई, ओ याद नहीं टॉर्च दिख रही मेरे को, कहाँ पे दिख रहा है आपको, F5 से देख रहा हूँ मैं, F5 से देख रहा हूँ मैं जियो, मैं यहाँ से नीचे आने वाला है जो, मेरे को फायर रॉकेट पकड़ो कम से कम 60-70, मेरे पास तो 3 ही है यार, अरे यार भाई मेरे पास सिर्फ 2 है, यहाँ से नीचे कुछ मेरे को 3 पकड़ा, एक बार मेरे को नीचे आना पड़ेगा, एक बार 3 पकड़ाओ मेरे को, टोटल हो चुके हैं 5,
भाई मैं यहाँ से जाऊंगा ऐसे करके आराम से। यहाँ देखो भाई ब्रो, यहाँ पे ऐसे टॉर्च लगी हुई है, इसको मैं तोड़ भी नहीं पा रहा फिर से भाई, कुछ अलग ही सीन है यहाँ पे। तोड़ के आ जाओ ऊपर से। हाँ तोड़ के आओ ना आप एक बार, ये अगर टूटता है तो टूटा है। शेड नहीं टूट रहा। तो मैंने क्या बोला भाई, टॉर्च नहीं तोड़ पा रहा, ब्लॉक तोड़ने की बात कर रहे हो यार। As you, मेरे को लग रहा है ब्रो, I'm not even joking, यहाँ से नीचे ना, रुको एक बारी, आगे एक और टॉर्च लगी हुई है भाई साहब, आउट ऑफ नो वे टॉर्चेस लगी हुई है आगे। बोल रहा हूँ एटलीस्ट मुझे तो आने दो, कहीं ब्लॉक प्लेस कर सकते हो आप, देखो ना थोड़ा बाहर की तरफ, मैं पर्ल मार के आ जाऊंगा। नहीं ब्लॉक प्लेस नहीं हो रहे यहाँ पे, ब्लॉक प्लेस नहीं हो रहे यहाँ पे, पानी प्लेस हो रहा है। ऐसे नीचे आओ, नीचे चलो मैं आपको पानी देता हूँ। नाइस ये लो मैंने पानी दे दिया आपको, इस पे छलांग मारो और आराम से आना, नीचे मत गिरना प्लीज, वापस वापस जल्दी 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 बस ठीक है। अब इधर आओ, अब यहाँ पे आप F5 में देखो आगे आपको दो टॉर्चेस दिखेगी। हाँ दिख गई दो टॉर्चेस है ना आगे, यहाँ से आगे कुछ ना कुछ, मैं यहाँ पे ना गाइस नॉर्मल ब्लॉक प्लेस नहीं कर पा रहा हूँ बट पानी प्लेस कर पा रहा हूँ। ऐसे काम करो अब देखो, फायर रॉकेट से 5 बचे हुए हैं, तो हम लोग यहाँ से आगे तो नहीं जा सकते है, है ना उड़ के। मैंने एक काम करो, मैंने झूठ बोला था, मेरे पास एक है। इसके पास क्या आदमी है भाई यार, मेरे को लगा आप पता क्या बोलने वाले थे ना, मैंने झूठ बोला था, मेरे पास एक स्टैक पड़ा हुआ है, तो बेस्ट होता। क्या छोड़ो मेरे पास, हाँ पानी की पकड़ दो मेरे को, पानी की पकड़ दो मेरे को फटाफट, ये लो पानी की पकड़ पकड़ाओ, ये भी ना आराम से ऐसे फेंको नीचे ठीक है। अब ऐसे मैं काम करने वाला हूँ, मैं पानी की दो बकेट के साथ आगे के लिए जाने वाला, थोड़ा रिस्क है इस चीज में बट मैं जाने वाला ठीक है। आपने वहीं रहना, आपका काम होगा मुझे बचाना, अगर मैं नीचे गिर गया तो मैं फायर रॉकेट के साथ एटलीस्ट एस्केप कर पाऊंगा, बट मुझे नहीं पता मुझे कितना आगे जाना है, दैट्स व्हाई मैं भी पानी के इस्तेमाल से ही आगे जाने की कोशिश करने वाला हूँ। इसको वहां लगाएंगे आगे, यहाँ से चल आगे, पीछे वाले को उठाऊंगा मैं हवा में, अभी थोड़े वो स्पाइडरमैन वाला हो गया विदाउट द वेब्स, यहाँ से इसको आगे लगाएंगे, बहुत आगे लगा दिया मैंने चाहे इसको ना, इसको नीचे गिरने देते पानी को, यहाँ से आएंगे आगे ऐसा करके स्लो 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 स्लो, मेरे दिल का चैन। अब मैं यहाँ से आऊंगा आगे एंड उसको उठाते हैं, यहाँ से ना आगे आगे के लिए चलते हैं। बिल्कुल ये जो हमारा आइलैंड है ना, इसके नीचे वाला जो इलाका है ना, जो नीचे वाला इलाका हमारा आइलैंड का, ये मेरे को लगता है अनएक्सप्लोर्ड है, बिकॉज उनको लगा होगा कि कोई भी यहाँ से नीचे तो जाएगा नहीं ना, कोई कौन ही बेवकूफ होगा है ना, अब ऐसी बेवकूफी तो हम ही कर सकते हैं भाई। मैं ऑनेस्टली गाइस तुम लोगों को बता रहा हूँ, रिस्क बहुत ज्यादा है बट इसका ना रिवॉर्ड उतना तगड़ा होगा। अरे को मैं कैसे हवा में उड़ रहा हूँ जी, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा यार, मेरे आपका व्यू ही खत्म हो गया मेरे लिए। वही एग्जैक्टली भाई, मैं पूरे आइलैंड के नीचे आ चुका हूँ इस वक्त, वहाँ पे कुछ तो है जी, ब्रो सीरियसली बता रहा हूँ मैं, वहाँ पे कुछ तो है। मत प्लीज, मैंने भाई मैंने ना इस चीज को यहाँ पे सॉल्व कर दिया ब्रो, नॉट इवन जोकिंग आई गेस, यहाँ से आगे चल आराम से, मैं नीचे गिर सकता अभी, यहाँ से इसको उठाएंगे, यहाँ से आगे कुछ तो है, देखो गाइस वहाँ पे ना कोई तो स्ट्रक्चर बना हुआ है लिटरली, और ये वही वाले ब्लॉक्स है बाय द वे जिन ब्लॉक के साथ ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई है, लाइक मरीन वाले ब्लॉक्स, पानी वाले ब्लॉक्स, एंड ये सेम टाइप के ब्लॉक्स अगर तुम लोगों को गाइस याद होगा हिमलैंड्स के नीचे जो होगा लाला हुले लाला की पोर्ट्रेट हम लोगों को दिखी थी ना बहुत पहले, वहां पर भी सेम टाइप के ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ था भाई साहब। हो सकता है कि सारी मिस्ट्रीज यहाँ पे जुड़ी हुई हो। मैं बच गया, ऐसे मैं बच गया, मेरे पास अभी लाइटर नहीं होती ना मैं मर गया था अभी। अरे यार मुझे पर्ल क्यों नहीं पकड़ाई आपने, अब रुको मुझे एग्जैक्टली जाना कहाँ है मुझे नो आइडिया, FI में रहना पड़ेगा। अरे वहाँ पे रुको, यहाँ पर अरे एंट्रेंस दिखी मेरे को गाइस, मुझे वहाँ पर एक छेद दिख रहा है, वहां से आगे लगा इसको, यहाँ पे देखो ये एंट्रेंस है, यहाँ पे ऐसे मुझे एंट्रेंस दिखी यहाँ पे, ओ यस कुछ तो है। अमिला भाई इतने जोर जोर से चिल्लाओ मत यार, माय गॉडनेस, कितना बड़ा पॉज लेते हो यार, मेरे यहाँ पे हार्ट अटैक आ गया। हेजियो आपको क्या लगा नीचे गिर गया? हाँ मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ यहाँ पर क्या है, वेट ये कौन है बीच में, ऐसे यहाँ पे रेड डेविल, ग्रीन डेविल और एक पर्पल डेविल है। अरे ये पर्पल डेविल अभी कहाँ से आ गया यार, नए नए आई जा रहे हैं ये लोग। वही एग्जैक्टली गाइस, अभी तक हम लोगों ने ये और विजर्ड की बात सुनी थी, ये पर्पल डेविल कहां से आ गया, बाय द वे अगर तुम लोग इसका बैकग्राउंड देखोगे ना इनके पीछे, ये लोग एग्जैक्टली इसी आइलैंड के ऊपर खड़े हुए हैं, आई गेस ये कोई चौथा बंदा है ये पर्पल डेविल, एंड यहाँ पे इनकी फोटोज लगी हुई है बड़ी बड़ी, और यहाँ पे ना इनकी छोटे वाले बचपन की फोटो लगी, देखो ग्रीन डेविल के हाथ में छोटू टैडी है, एंड यहाँ पे बच्चे की तरफ से खेल रहा है, पर्पल वाला यहाँ पे खेल रहा है, ये लोग कितने क्यूट लग रहे हैं यार छोटे बचपन में, बट अभी फिलहाल को बड़े में बिल्कुल क्यूट नहीं है।
अपने पापा के साथ खेल रहा है, इसको बच्चे निकालो हाथों से इसके। अरे जो काम करने है वो करते हैं और निकलते हैं ना। मैं एक बात बताऊं आप लोगों को गाइस, ये ना यहाँ पे इनका ऐसा लाइक क्या बोलेंगे उसको, लाइक प्ले ग्राउंड वाला रूम है इनका, लाइक प्ले रूम है इनका ये। क्योंकि यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो छोटे छोटे किंडर गार्डन में लगे होते हैं जैसे वो दीवारें वगैरह, सेम वैसी बनी हुई दीवार यहाँ पे। मैं समझ गया इनका प्ले रूम था बचपन का। एंड अगर इनका ये बचपन का प्ले रूम था तो जो उस बुजुर्ग अंकल ने बोला ना कि वो लोग गायब हो जाते, वो लोग शायद से यहाँ पर आते थे। एंड इसकी कोई ना कोई और सीक्रेट एंट्रेंस जरूर होगी, बिकॉज इस एंट्रेंस के थ्रू बच्चे आएंगे मैं तो नहीं मान सकता भाई। अब अगर मुझे बस एक चीज का पता करना है, पर्पल वाला बंदा कौन है यार? ये जैसे यहाँ पे होगा ना तो उसी टाइम पे इस राज के वजह से पर्दा उठ जाएगा। देखो यहाँ पर एक थ्रोन टाइप बनाई हुई है एंड यहाँ पर बहुत टाइम से कोई भी आया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग ये बहुत सारे कॉप वेब वगैरह लगे हुए। वेट, केयर टेकर नोट। ओ यहाँ पर एक बुक है, केयर टेकर तो बच्चों की होते हैं। एग्जैक्ट एज यू, यहाँ पे ना बुक एंड क्विल है। एक सेकंड रुको, इस पे क्या लिखा हुआ है मैं देखना चाहूंगा। टू देयर मॉम, ऑल ऑफ देम आर वेरी गुड एंड प्लेफुल, बट परपी इज वेरी इविल समटाइम। ही विल डिसगाइज एज समवन else and want to prank me and his brothers and will create some big scene in the end and always and I always get punishment for it. That's why I am leaving my job. ऐसे किसी ने नोट लिखा होता है यार इनकी मम्मियों के लिए। परपी वाले पर्पल वाले ही होगा ना परपी? अबे भी हो सकता है परपी, मतलब परपी हो कुंडा नाम है यार। अरे पर्पल डेविल को लाइक प्यार से परपी बोलेंगे ना, हो सकता है। ये तो सारे लोग इतने अच्छे घराने बिराने से हैं लोग, ये टेक केयर वगैरह ऐसी सारी चीजें और ये इविल की चीजें क्यों करने लगे? ये बहुत ही अजीब सी बात है। यहाँ पे एग्जैक्टली कैसे लिखा हुआ है कि जो परपी है ना विल समटाइम्स डिसगाइज एज समवन एल्स एंड वांट टू प्रैंक मी एंड हिज ब्रदर्स। यानी कि जो पर्पल वाला बंदा है ना बीच में, जो ये बंदा कभी कभी कोई और बंदे की शक्ल लेकर अपने दोनों भाइयों को और केयर टेकर को तंग करता था। यानी कि इसके पास कोई ना कोई पावर है जिससे कोई और बंदे में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ से मुझे इतना हिंट तो मिल चुका, मैंने ये बुक को यहीं पे रख दूंगा बिकॉज मैं कोई भी टाइप का शाप अपने साथ लेके जाना नहीं चाहता हूँ कि कुछ गड़बड़ हो जाए और मैं भी यहाँ से बाहर आने वाला हूँ, ठीक है ना। और ये पता नहीं क्या तो हिंट मुझे मिला है और मैं यहाँ पे ना फायर रॉकेट्स का इस्तेमाल करके आने वाला हूँ। अभी मैं यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं करूंगा। एक एसयू, आप कहाँ पे हो भाई? मैं वहाँ पे ही हूँ, मुझे बचाओ प्लीज, मेरे पास कुछ नहीं है। अरे मैं उल्टी साइड के लगा, अरे मैं बीच में घूट रहा हूँ। अरे यार मेरे को अभी आप कैसे, आप पानी डालो, ऊपर से पानी डालो। मैं आ रहा हूँ ठीक है ना, मैं बैक साइड हो क्या? हाँ फर्स्ट वाली टॉर्च के एग्जैक्ट सामने हूँ मैं भाई साहब। एक मिनट, स्मार्टी को ना पकड़ो, यहाँ पे आ जाओ। हम ना पहले अपने दिमाग को शांत करते हैं और सोचते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अभी आपने जो कुछ भी दिखा ना वो मुझे बताओ, मे भी मेरा इसी पे दिमाग कुछ ना कुछ थ्योरी निकाल हो रहा है। देखो वहां पर एक फोटो लगी हुई थी जिसमें तीन बंदे थे, रेड डेविल, ग्रीन डेविल के साथ पर्पल डेविल जिसका नाम परपी है, परपी है जिसका नाम, और उस पर लिखा था कि परपी डिसगाइज कर सकता है किसी और बंदे में, लाइक वो कोई और बंदा बन सकता और तंग करता रहा उनको, लाइक बहुत सारा शैतान था वो। व्हाट परपी विजर्ट नहीं है? वेट, ये क्योंकि वो डिसगाइज करता है। ओह माय गॉड, एक सेकंड रुको, आप मुझे एक बात बताओ, इससे पहले उसने क्या बताया था हमको नीचे? गाइस मैं तुम लोगों को बताता हूँ, जिस चीज के लिए मैंने तुम लोगों को बोला ना कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये जो बुजुर्ग अंकल बोल रहा है ये शायद हो सकता है, नहीं हो सकता है, टाइम वेस्ट होगा, बाद में बताऊंगा। उन्होंने एग्जैक्टली हमें क्या बताया था ना कि पहले गाइस ये लोग तीन भाई थे यहाँ पे, ठीक है ना, बट उसने हमको ये नहीं बताया कि पर्पल वाला बंदा था कोई। एग्जैक्टली वो शायद उस पर्पल परपी की ही बात कर रहा था। एंड उसने बोला कि पहले वो तीनों बंदे आते थे प्रिजन में, बट बाद में क्या हो गया गाइस कि रेड और ग्रीन के साथ वो तीसरा बंदा नहीं आता, अभी ये बुजुर्ग अंकल आना स्टार्ट हो गया। एंड एज यू जो वो फोटो गाइस तुम लोग याद करो स्क्रीन पे, देखो जो फोटो एग्जैक्ट सेम लगी हुई है, सेम ऐसी फोटो की जो पोर्ट्रेट बनी थी हमारे हिमलैंड में बनी थी, एक साइड रेड वाला एक साइड ग्रीन वाला, बीच में विजर्ड और यहाँ पे पीछे बना हुआ पर्पल वाला। मुझे समझ रहे हो, जो परपी यहाँ पे इस महल के अंदर जो परपी है वो एक्चुअली हिमलैंड्स में एज अ विजर्ड कर रहा है। इसका मतलब आप समझे जियो, जो हमारा तुम लोग गाइस याद करो विजर्ड स्टार्टिंग से लेके हमारी कितनी मदद करता था और अचानक से वो इविल बन गया। इसका मतलब ये है कि हमारा विजर्ड ना कहीं फंसा हुआ है रियल वाला और ये फेक विजर्ड है। आपको समझ में आ रहा है, इन लोगों के पास अजीबोगरीब शक्तियां है इसलिए विजर्ड के पास अजीबोगरीब शक्तियां है। ये वाले अपना विजर्ड तो एक ही जगह पे होता था और हमसे काम करवाता था। ओ माय गॉड, ऐसे हम लोगों के यहाँ से वापस आना पड़ेगा बाहर भाई। और कुछ ना कुछ देखो ना, जो पानी के बीच जाने का जो राज है ना इस बंदे का, जो पानी के बीच बार बार ऐसे करके जाता रहता है, इसका जो भी राज है ना सबसे पहले वो पता करना पड़ेगा। और ये पता किससे करेंगे हम लोग ऐसे हो? उसके ड्रीम बॉय के हिस्से, लाइब्रेरियन से। एंड गाइस अभी मैं तुम लोगों को बोल सकता हूँ 90% मैं श्योर हूँ कि हमारा जो रियल विजर्ड है ना वो कहीं पे बहुत ही बुरी तरीके से फंसा हुआ है। वो कितने 8 महीने हो गया यार, 8 महीने से फंसा हुआ है रियल विजर्ड और हम लोग
विजर्ड को कितनी गालियां मारते यार मैं। चलो यहाँ से बाहर चलते, फटाफट निकलते यहाँ से बाहर भाई, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। चलो गणपति बप्पा। ओह माय गॉड, और अभी वो लाइब्रेरियन शायद यहीं पे होगा। अरे लाइब्रेरियन को तो मैंने वहां भेज दिया था यार, ड्रीम बॉय के पास यार, डार्क हिमलैंड में भाई, ताकि वो भी उसको प्रोटेक्ट कर पाए ड्रीम बॉय के साथ। ओह माय गॉड, अब पूरा का पूरा टाइम वेस्ट होने वाला है। ये देखो यहाँ पे ही है यार। अबे तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तेरे को मैंने ड्रीम बॉय के पास भेजा था। अरे वो बंदा अकेला होगा यार इस वक्त वहाँ पे लड़ रहा होगा एंटिटीज के साथ। वो डोंट वरी, आप इससे पूछो ना, ये बता देगा, इसको पता ही होगा। एग्जैक्टली भाई, हम लोग तेरे पास से भी आने वाले थे यार, मुझे लगा तू वहाँ पर होगा। चलो हम लोगों का बहुत ही बड़ा राउंड यहाँ पे बच चुका है। मेरी बात सुन भाई, जैसे मैं एक इन्फॉर्मेशन अभी पूछने वाला हूँ, अब तेरे को ना उससे उसकी पूरी की पूरी नॉलेज मेरे को ढूंढ के लानी है कहीं से भी, ठीक है ना मेरे भाई, और तेरे को बताना हमको। तो देख यार, मैं तेरे को देख एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। सपोज कर ये है एसडीओ, आई मीन सपोज कहता एसडीओ ही है ना। अब एसडीओ क्या करता है, ड्रीम बॉय की तरह बन के घूम रहा है। अब एक होता है स्किन चेंज करना, एक होता है कि घूम बन के घूम रहा है भाई, लाइक एज इन ये बंदा पूरा का पूरा ड्रीम बॉय की तरह एक्टिंग वगैरह कर रहा है। ड्रीम बॉय की पूरी एक हिसाब से बोल सकते हो सोल इसने अपने अंदर घुसा दिया। इवन उसका साउंड भी सेम है, साउंड भी सेम है, एग्जैक्ट जो बोलता है, जिस तरीके से बात करता है, जो भी है, सब कुछ सेम है। तो ऐसा कुछ क्या पॉसिबल है? अगर ऐसा कुछ पॉसिबल है तो बंदा इसको सस्टेन कैसे कर सकता है, लाइक बिना पकड़े गए ये कैसे उसी चीज में रह सकता है, इसी कैरेक्टर में रह सकता है? इससे रिलेटेड कुछ एंशियंट बुक्स वगैरह तेरे पास होगी भाई, ढूंढ कुछ नॉलेज, देख मुझे बता एग्जैक्टली क्या ये पॉसिबल है भी कि नहीं है, क्योंकि भाई हम लोग तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि ये चीज पॉसिबल है कि भाई इसने फिर से आप शल्कर बॉक्स निकाल दिया अपने, फिर से निकाल दिया इसने शल्कर बॉक्स भाई अपने। आई गेस अभी यहाँ पे ना कोई एंशियंट बुक्स वगैरह निकालेगा। एंड ओ ओ ढूंढ रहा है। ये कुछ ना कुछ तो बता ही देगा हमें, बस बस थ्योरी प्रूफ करनी है। बट आपको पर्सनली ऐसे क्या लगता है कि ये परपी है, क्या ये रियल विजर्ड हो सकता है, या फिर लाइक ये एक्चुअली लाइक कोई फेक बंदा जो विजर्ड के कॉस्ट्यूम में घूम रहा है? क्या मुझे लगता है? नहीं है, परपी ऐसे क्यूट साउंड करता है, ऐसे क्यूट बंदा इतनी दरिंदा कैसे हो सकता है यार, ऐसे लगता है। आप ये बोले जाते कि जो विजर्ड हमारे को मारते ये असली वाला ही विजर्ड है, ये नकली नहीं है? असली वाला नहीं भाई, कुछ तो गलत चीज है ये, जो असली वाला भी नहीं है, परपी नहीं हो सकता। परपी कैसे ऐसे विलन का यार, मेरे दिमाग में यही तो समझ में नहीं आ रहा भाई एग्जैक्टली। ये बंदा भी यहाँ पे क्लियर करेगा जो मेरे को बुक पढ़ रहा है वहां पे, यही बंदा है जो जो भी यहाँ पे कुछ ना कुछ क्लियर कर सकता है हमारे लिए। बिकॉज गाइस हिमलैंड में जितनी भी चीजें होती है ना, नॉर्मल माइंड का वर्ल्ड का पता नहीं, बट हिमलैंड के अंदर जितनी भी चीजें हो रही है सारी के सारी एंशियंट बुक्स के अंदर लिखी हुई है कि क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या चीजें नहीं हो सकती है ना। हमारा हिमलैंड का वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा मायावी है यार, एंड बहुत ही जल्द हम लोग इसके एंड में भी आने वाले हैं, मैं बता रहा हूं तुम लोगों को। अगर ये चीज प्रूफ हो गई ना, ये विजर्ड का पूरा का पूरा सीन क्लियर हो जाएगा फिर भाई साहब, उसके बाद हो गया। बुला रहा है आपको, बुला रहा है आपको, है ओ भाई फटाफट बता। ओ माय गुडनेस, बाप रे, फाइनली हमने सॉल्व कर लिया भाई, मिस्ट्री इज सॉल्व्ड। ये परपी सारा कुत्ते का बच्चा एक नंबर का। गाइस इसने मुझे पता क्या बताया ना, कि अगर सपोज जो मैंने अभी यहाँ पे एसडीओ ड्रीम बॉय का एग्जांपल इसको बताया था ना, तो इसने बोला कि अगर एसडीओ ड्रीम बॉय बन के घूम रहा है और उसको अगर एग्जैक्ट सेम डिसगाइज करना है उसकी तरह, तो भाई जैसे अब मैं तुम लोग को कैसे समझा यार, उसको अगर होल्ड ऑन करना है ना इस दूसरी सोल में, तो इसको बेसिकली बार बार पानी के बीच जाना पड़ता है। ये एंशियंट बुक के अंदर लिखा हुआ है, और वो भी कुछ एक जादू तोड़ने वाला स्पेल है, या तो फिर हम लोग उस स्पेल के थ्रू चीज कर सकते हैं, या तो फिर नेचुरली बॉर्न चीज है। बेसिकली आप पैदा ही सुपर ताकत के साथ हो गए। और तुम लोग याद करो उस बुक एंड क्विल में ऐसे क्या लिखा हुआ था कि वो जो बच्चा है परपी, वो बचपन से लेकर उसको तंग करता था अपने लाइक केयर टेकर को, जैसे उसने जॉब वगैरह छोड़ दी थी। एसडीओ ये फेक विजर्ड है, असली विजर्ड हमारा पता नहीं कहाँ पे है 8 महीने। मैं तो पहले आपसे माफी मांगूंगा, क्योंकि आप पहले भी बोल रहे थे ये बार बार पानी में जाता है। मैंने बोला था ना आपको पानी के भी जाता है, आप बोल रहे थे कि ऐसी तैयारियां मारने जा रहा हूँ। चलो ऐसा आ जाओ निकले ऐसे। आजा भाई तू भी आजा, क्या बोलते हैं अपने लाइब्रेरी, तेरा काम पता है क्या ब्रो? अब तेरे को जाना है ड्रीम बॉय के पास, क्योंकि ड्रीम बॉय अकेला वहां पे उन एंटिटीज के साथ लड़ रहा होगा अभी। तो भाई तू उसकी मदद कर जिस भी एंगल से मदद कर सकता है, और मैं और एसियो जा रहे हैं अभी विजर्ड को, विजर्ड क्या बोल रहा भाई, परपी को ढूंढने के लिए। और एसियो ऐसा मारेंगे ना उसको भाई, उसने हमारे विजर्ड को कहां रखा हुआ है? यहां से राइट साइड के लिए आता है। चलो 100 ग्राम लेके जाएंगे भाई, 100 ग्राम भाई गॉड की कसम यार, मेरे को बहुत दुख हो रहा है। हम लोगों ने यार अपने विजर्ड के ऊपर इतना शक किया, तुम लोगों ने भी विजर्ड के ऊपर शक किया है ना, तुम लोगों ने बहुत अरे हम लोग उल्टा चलेंगे भाई, उल्टा चलेंगे, दूसरी साइड के लिए आता है वो। हमें विजर्ड को ढूंढना भी पड़ेगा, हम लोग डायरेक्टली उसको मार नहीं सकते, उससे पहले पूछना पड़ेगा कि विजर्ड कहां है। नहीं नहीं विजर्ड नहीं भाई, परपी विजर्ड को ढूंढना, विजर्ड लास्ट वो टपली मार के गया था, मतलब आग फोड़ के गया था अपने प्रोफेसर की।
सॉरी प्रोफेसर नहीं, हाँ प्रोफेसर की, हाँ प्रोफेसर प्रोफेसर वो प्रोफेसर की आंख फूट के गया था। तो एक काम करते हैं, प्रोफेसर के पास चलते हैं, प्रोफेसर ही बताएगा हमको, ठीक है ना। और ऐसे भाई क्या ही छेद हो रखे भाई हमारे इंग्लैंड में, अरे आप उड़ के जा रहे भाई, मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है यार। उससे ले लेते यार, उसके पास बहुत सारे रॉकेट्स थे। मैंने अभी मैं पैदल जा रहा हूँ मेरे भाई। चलो एक काम करते गाइस, फटाफट हम लोग जाते हैं प्रोफेसर के पास, एंड उसके बाद ना इस परपी को ना ऐसा मारेंगे और अपने विज़र्ड की ओरिजिनल ओरिजिनल लोकेशन का पता करते हैं। असली विज़र्ड को तो तब भी हम लोगों ने मारा नहीं, लेकिन लाइक उसका नाम खराब हो गया यार, बहुत दुख हो रहा है यार। ये लाल हरा और पर्पल ये तीनों रंगी बिरंगी दरिंदों ने वाट लगा दी यार, है ना। एंड गाइस मैं तुम लोगों को बता सकता हूं, इनका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है इन डार्क एंटिटीज के साथ। मैं बता रहा हूं भाई, ऐसे ही नहीं आ सकती, ये लोग एक्चुअली में रेड डेविल, ग्रीन डेविल एंड पर्पल डेविल्स एक्चुअली। ठीक है भाई, हम फटाफट चलते हैं उसके बाद, चलो फटाफट चलते हैं अपने प्रोफेसर के पास। ये प्रोफेसर को होपफुली पता होगा कहाँ पे गया है वो, क्योंकि मार खा के पता नहीं होगा। नहीं इस ये मार खाई है ना इसने, आप समझ जाओ इसको पता जरूर होगा 100% यार। ये बंदा कुछ अलग बढ़िया यार एक्सपेरिमेंट करता रहे। प्रोफेसर साहब सुनो, प्रोफेसर भाई सुन, जल्दी जल्दी बता कि वो लास्ट टाइम पे कहाँ मिला था तेरे को, क्या बोलते अपना ये विज़र्ड है। अभी हम लोग इसको ऐसा तेरा बदला अभी लेंगे हम लोग, इसको आज मैं पाताल लोग भेजने वाला हूँ, स्वर्ग नहीं जाएगा पाताल जाएगा जो बंदा, मेरे और एसजीओ के हाथों से, दोनों के हाथों से। तो फटाफट एक काम कर, पहले तू रॉकेट्स वगैरह पकड़ा दे हम दोनों को, पॉल्स वगैरह पकड़ा दे, एंड हमें लोकेशन बता कि एग्जैक्टली कहां पर है बंदा, आज को हम लोग बहुत बुरा मारने वाले हैं। और अगर इस तो प्रोफेसर साहब ने हम लोगों को बता दिया है, इसने मुझे बोला कि लास्ट लोकेशन जो उसकी देखी थी ना वो वहीं पे देखी थी जहां इसको पंच पड़ा था, उस मशीन के पास अंदर। लेकिन तू एक काम कर, अंदर जाऊंगा ना मैं तो दिक्कत ना हो जाए, तू भाई इस पे ना अनब्रेकिंग लगा के दे दे मेरे को भाई प्लीज यार, अनब्रेकिंग लगा दे, और मेंडिंग भी लगा दे, लगा पाएगा तो नहीं है मेंडिंग तो चलेगा, तो अनब्रेकिंग लगा दे बस। और ऐसे मैं एक काम करता हूँ ना, मैं जाता हूँ अंदर, मैं उसको लेके आऊंगा अपने पीछे, आपने यहीं पर रहना, जैसे हम लोग इससे अरे आएंगे ना पोर्टल के थ्रू, अगर मैं उसको गलती से ढूंढ पाया तो अंदर, तो आपने सीधा उस पर हमला करना है, एंड आप यहाँ पे रहो प्रोफेसर की थोड़ी सी रखवाली करने के लिए, इसके पास कोई ना कोई होना चाहिए अभी। इसकी आंखें भी के फूटी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी गाइस हम लोग हिमलैंड्स के अगले सीजन के एंड गेम में आने वाले, नॉट इवन जोकिंग। जैसे ही हम लोगों का हमारा असली वाला विजिट पता आएगा ना, फिर देखो तुम लोग हम किस तरीके से इस इनविजिबल एंटिटी को रोकते। भाई एसडीओ सुनो, पूरा का पूरा नॉर्मल हो गया भाई, नेदर हमारा पूरा टेम्परेचर नॉर्मल हो गया भाई साहब यार। ओके भाई, पर हो का सकता है ये बंदा यार, यहाँ पर भाई कहीं भी नहीं, कहाँ दिखाता इस प्रोफेसर को लास्ट टाइम पे भाई ये बंदा, मुझे एक बात बताओ। आजा मेरे पीछे आज, मुझे हाफ हेल्थ खा ली पूरी, इससे मेरी हाफ हेल्थ खाई मम्मी कसम, मैं शॉट में मैं आप ही हूं, अंदर आओ अंदर 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 आओ, वेट मुझे आप ही, ये बंदा भी यहाँ पे लाइटरा में है, ध्यान दे रहा आपने ठीक है ना ब्रो, ये लाइटर लेके आया हुआ अभी यहाँ पे। ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस, मैं बाहर आ रहा हूँ, मैं बाहर आ रहा हूँ। ऐसे ये एक शॉट में ना मेरे ऑलमोस्ट हाफ हेल्थ खा रहा है, भागो भागो बाहर भागो जल्दी आप। ओह माय गॉड, मैं गया इसके हाथ से, ऐसे जल्दी आओ जल्दी जल्दी मेरे को बचाओ जल्दी, आ गया मैं जल्दी आओ। कहाँ पे जाना है, वो ना पीछे, उसके पीछे चलते हैं ना, इसके पीछे मत जाओ जी, एक शॉट में मेरी हाफ हेल्थ खा रहा है, बाहर निकले यहाँ से, इसको बाहर निकलेंगे हम लोग, जल्दी हो जल्दी 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 हो, मैं बच गया ब्रो, जल्दी बाहर आ जल्दी। हम वे मेरे पास यहाँ पे ना त्रिशूल फेंक हो गया इसके ऊपर, मेरे पास ना बहुत सारे है बाय द वे, यस एग्जैक्टली, कैसे कैसे क्या, इसको मारो, आ गया वो, ये बहुत ज्यादा हेल्थ खा रहा है मेरी, ऐसे मेरी एक शॉट में चार चार हेल्थ खा रहे, ओह माय गॉड, नो, बहुत तगड़ा है ये, जल्दी आ जाओ। सुनो ऐसे भारा, हम लोगों को भी यहाँ से ना आपको बताने क्या करना है, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाएगा यार, भागो यहाँ से, अभी तो मेन थिंग इज गाइस, मैं इधर को आ गया अपने पुराने वाले दूसरे वाले विलेज की साइड के, जहाँ आप लोग रहते थे पहले। गाइस बाय द वे ये हमारी आवाज नहीं सुन सकता, इसीलिए जब वहाँ पे उसको ठीक कर रहा था ना, जब मैंने एसजे को बोला ठीक कर रहा है, इसको सुनाई नहीं दिया, बट मुझे देख लिया था, पीछे पीछे आ रहा है, साड़ी है मेरे पीछे आ रहा है, ये हमारे पीछे ही आएगा। बट अभी ना, अभी देखो मैं इसको यहाँ पे किस तरीके से थोड़ा सा मॉक करता, आप जल्दी आओ एक बार यहाँ पे, मैं ब्रिज के पास एंड में आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, कमऑन, जहाँ पे होगा लाला पैदा होता फर्स्ट टाइम पे वहाँ पे आओ, आपके पीछे ही, अभी रुको मैं देखो अभी यहाँ पे क्या करने वाला, ठीक है ना। ओए विज़र्ड, विज़र्ड भाई यहाँ देख, यहाँ देख विज़र्ड, परपी, ओ कंफ्यूज हो गया बंदा, उस अरे बहुत एग्रो हो गया, परपी, यस यही है, एस यू वी आर राइट, यही है वो, यही समझ में आया, बंदा कितना चीट रहा है अभी तेरे को
अब भी तेरा सब कुछ हमें पता है यार, अब भी तेरा वाट लगने वाला है भाई, अब तेरा घर जाएगा, अभी तू जाएगा मेरे बेटे, अब तू जाए कहाँ ये बता, इसको मैं एक घसा मारने वाला अभी। अच्छा ये तो एसडीओ यहाँ में एसडीओ लगे था मारने अभी, मुझे मत मारो वो रहा नीचे नीचे उड़ गया इसकी ऐसी की तैसी पकौड़े परपी भाई सुनो परपी यार इसका राज लग गया, मारो मारो उसको मारो मारो मैं मारूंगा उसको आजा सीन क्या है, हम लोग नेदर के अंदर पानी प्लेस क्यों कर सकते हैं इस वक्त, आपको पता क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसको पानी के बिस्तराना तो कुछ जादू टोना किया हुआ नेदर के अंदर, हम सोचे कि इक्विलिब्रियम हिल चुका है, हम लोगों को इसको ऐसी जगह पे लेके जाना है जहाँ पे पानी नहीं है सिंपल। अरे पर ऐसी कोई जगह ही नहीं हमारे पूरे हिमलैंड्स के अंदर, एंड नेदर एक इकलौती जगह थी वहां पर भी हम लोग पानी प्लेस कर सकते हैं, नीचे आओ आप वरी इसको यही मारते नीचे, ऐसे मेरी बात सुनो भाई कोई जगह ढूंढो, लड़ो मत इससे भाई, लड़ रहा है ये बंदा इससे, मैं लड़ रहा हूं पर तीन तो आठ पे हूं यार, जल्दी बचाओ भागो भागो भागो, मैं वन आठ पे हूं, ओ माय गॉड मैं फंस गया ब्रो, ये परपी ना मेरे यहां पे हिमलैंड का ना पूरा का पूरा वो खत्म कर देगा, सुनो एसयू इसको ले, ओ वेट एसयू सुनो एसयू आपको जगह याद है जहां पे वो थे वो क्या नाम था थियोन्स थियोन्स जहां पे लाइक वो फ्लैश खाते थे, वो एक अलग सा डायमेंशन था हमारे इंग्लैंड का, आई नो जहाँ पे वो अलग सा क्रीपी, ओ बंच मुझे बताए वहाँ पे याद है ना आपको, वहाँ पे पानी प्लेस नहीं होता मुझे है, ओ माय गुड एज़ आपको रास्ता याद है, क्योंकि मेरे को याद है, मेरे पीछे आओ ठीक है ना, हिलना मत मेरे पीछे रहो, मेरे पीछे रहो, मैं आ रहा हूं पीछे यार, यहां को था कि मैं एज़ एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में था मुझे याद करो, रास्ता नहीं पता मुझे सिर्फ डायमेंशन पता है ब्रो, अरे भाई इसको बीच वाले रास्ते पे चलते हैं, कोई भी ऐसे पेड़ पूड़ देखेंगे ना हमको जिससे याद आ जाएगा, भाई हम लोग ऐसे कि हैरी पॉटर वाली फाइट नहीं होती, हवा में लड़ रहे हैं, आजा मेरे बेटे आजा मेरे, इसको एक शॉट मारू क्या मैं तेरी, सीरियसली आजा मेरे बेटे मत करो आज, आज ये बेटा बहुत ज्यादा गुस्से लोग है ऐसे हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चलो चलो निकले ऐसे, मेरे पीछे आओ दीदी, इधर ही किधर ऐसी हो जाएगा, इधर ही किधर हो जाएगा, सेम नहीं रुको रुको रुको, ऐसे ऐसे पहाड़ ना हमारे अभी और आगे आएंगे, आई रिमेम्बर सेम है इसी बायोम के अंदर है वो जगह, सेम टू सेम, ऊपर देखो ये याद है आपको, ओ माय गॉड जहाँ पे मैंने आप लोगों के घोड़े चोरी किए थे, ये वही जगह है, ये लैंड हो गया उसके ऊपर, मैं तोड़ रहा हूँ वो चीज, थोड़ा 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 मेरे पीछे आवाज, आप बस मुझसे ना जुदा मत हो जाओ, दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी, दिक्कत जुदा बिल्कुल नहीं होना यहाँ पे, ये इसको मार रहा हूँ मैं, ओ ओ ऐसे नीचे देखो हमारे चिकन के बार के ऊपर एक और चिकन वाला बार आ गया, दिस मींस वो पोर्टल आस पास है, पोर्टल आस पास है, पार्टी पे वहाँ पे भी तो पानी है, वहाँ पे तो पानी के समुंदर है पूरे के पूरे, अरे ऐसे आपने गौर से नहीं देखा था क्या जब हम लोग पोर्टल के अंदर गए थे, वो गाइस एक्चुअली पानी नहीं है, वो ना एसिडिक पानी है, लाइक इसको ना इस पानी की जरूरत है जो नीचे दिख रहा है H2O H2O की बात कर रहा हूँ मैं, और वहाँ पर जो पानी है वो एसिडिक पानी है, ठीक है जो, तो यानी कि इसको एग्जैक्टली वो चीज वहाँ पे मिलने नहीं, बाय द वे गाइस अभी हम लोग ने अपना VC ऑफ किया, ये हमारी बातें सुन नहीं सकता है, तो ऐसे इसको बस वहां पे लेकर जाना है, और एक सेकंड रुको यार, ओ भाई ये बंदा जा ही नहीं रहा, सुनो यार वो बंदा वहां पे कोल्ड रॉन का इस्तेमाल कर सकता है नॉर्मल पानी के लिए, अरे फिर वो तो नेदर के अंदर ही कर लेता, अपने वाले नेदर के अंदर वहाँ पे भी कोल्ड्रॉन का ट्रिक चलता है, हमें भी इसको नहीं चाहिए होगा, अभी वो कोल्ड्रॉन वाला ट्रिक ना वर्क नहीं कर रहा होगा, इसलिए इसने वो का चेंज कर दिया, पहले वर्क कर रहा था और बाद में जब वर्क नहीं करने वाला लगा तब इसने पूरा का पूरा नेदर का एक्चुअल बिहेवियर है वही चेंज करने के लिए आ गया। अरे आप भूल गए, वो लाइब्रेरियन में तो बोला था कि इसको बहुत बड़ा वाला पानी जरूरत है। Yes, exactly, guys. अरे मैं भूल गया था यार गाइस, लाइब्रेरियन ने भी हमको ने एग्जैक्टली मैं तब से लेकर ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिलनी थी वो जगह यार, कहाँ है लाइब्रेरियन ने, यहाँ मिल गई मेरे को, देखा इस लाइब्रेरियन ने मुझे पता क्या बोला था ना, इसको अब थोड़े से पानी के बीच नहीं जाना है क्योंकि अर्ली स्टेज था, अब इसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ने वाली है, तो कोल्ड रॉन वाली ट्रिक तभी काम नहीं कर रही है इसकी, नेदर के अंदर भी तभी इसने ग्लिच किया, सही बोला एसयू ने, एसयू इसने अंदर लेके चलते चलो, इसने गोल्ड बंदे के साथ दोस्ती कर ली इसी के लिए कि ये नेदर में जाके वो मशीन फिट करवाए भाई, मशीन फिट कराने का टीका तो उसने लिया है गोल्ड वाले बंदे के, आप घुसो मैं देख रहा हूँ, जल्दी 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 जल्दी, यहाँ पर एक गुफा है, गुफा से बाहर निकलना पड़ेगा अपने को, जल्दी दियो जल्दी दियो, घुस के यहाँ से निकल जाएंगे, जल्दी आपके पीछे बंदा, ये आपके पीछे मैं भी हूँ,
अरे यहाँ पे वो एपिसोड आ गया, कोई बात नहीं, ये टाइम वेस्ट कर रहा है इसका भी और हमारा भी। इसको गाइस सुना है, इसको सिर्फ पोर्टल से दूर लेना है। यहाँ पे कोई तो इविल विलन है। मेरी बात सुना है, हमको सिर्फ और सिर्फ इस बंदे को पोर्टल से दूर लेना। आ जाओ भाई साहब, मेरे पीछे इसको मैं दूर लेके जा रहा हूँ। मेरे साथ साथ रहो आप प्लीज, है मेरे साथ रहो। आवाज आ रहा है, आप दिख नहीं रहे मुझे इधर ही। मैं देखो ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैं इसको दूर लेके जा रहा हूँ। ऐसे आप एक काम करो, मेरी बात सुनो, पोर्टल के बाहर जाओ वापस। पोर्टल पर आ गया हूं। आप पोर्टल के पास रहो और पोर्टल से बाहर जाओ, मेरा वेट करो बस। मैं आया 2 मिनट में, इसको अंदर फंसा के आता हूँ, ठीक है? कोऑर्डिनेट्स याद है, मैंने नोट किया हुआ गाइस। आजा मेरे बेटे, आ मेरे पीछे ये भाई बंदा। ओ माय एल्डर एल भाई, पता नहीं कौन है, जो भी ये बंदे ना एल्डर उल्डर, इनसे फर्क नहीं पड़ता। ये बंदा मेरे पीछे एग्जैक्टली, इसको ना मैं थोड़ा सा डैमेज देना चाहता हूं, थोड़ा सा। ओ माय गॉड, आई एम डेड एज यू। उड़ भाई और दूर चल, मैं गेट के पास ही हूं, मैं बहुत दूर निकल गया हूँ, मैंने ऑलमोस्ट मरने वाला था यहाँ पे। इसको पूरा मत मानना, हम लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए अभी भी। नहीं, जब इसको तो भाई मैं अभी देखो, आप अभी यहाँ पे, अभी बंदे यहाँ पे पानी पूरी के भी जा नहीं पाएगा। एंड लेट्स सी फिर ये क्या करता है। वेट, पानी रख रहा है, तेरी पकड़ है, पानी रखेगा यहाँ पे तू। एक सेकंड को, मेरे पीछे पकड़ी पड़ी वाली। कोई बात नहीं, हमारे पास यहाँ पे हुआ है। ये बंदा कहाँ गया गाइस? इसको गेड़ा लग गया यहाँ पे, इसको उड़ रहा है बंदा अभी। गाइस इसको ना पानी की कमी हो रही शायद से, भाई यहाँ पानी नहीं मिलेगा इसको। ऐसे मेरी बात सुनो, अगर ये बंदा पोर्टल से आता है ना, तो आपने पोर्टल को तोड़ देना, ठीक है मेरे भाई? मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था जो अभी। अरे बंदा पता नहीं कहाँ पर गया अभी, कहाँ गया भाई? मेरे आस पास का बहुत ही अजीब सा इफेक्ट लगता है इस वर्ल्ड के अंदर ना, बस वही है। वाह भाई, इसकी स्किन देखो कहीं पिंक हो गई है। इसको मैं एकदम से जंप स्केयर मारूंगा। आजा मेरे बेटे, पानी के बीच जाएगा, कुछ नहीं कर सकता तू यहाँ पे। अब मेरी आवाज आ रही तेरे को? तू यहाँ पे एकदम हेल्पलेस है, भाग यहाँ से। अब बोल कौन है बाप, मुझे बता फटाफट की विजिट कहाँ है हमारा, मुझे फटाफट भाग। मत मैं तेरे को बता रहा हूँ भाई, तू गया मेरे हाथ से, नहीं तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। मेरे को बता, उड़ गया, उड़ मेरे भाई, तू उड़, तू तेरे को मैं बताता हूँ भाई अभी कहाँ गया है बंदा। वो दिख गया मेरे को, उड़ तू, उड़ भाई तू। इस डायमेंशन के अंदर तू अब यहाँ पे ना खो जाएगा मेरे भाई, तू अब यहाँ पे ना बुरे तरीके से खो जाएगा। ओके यहाँ पे लगी एक बहुत अजीब सा इफेक्ट। मार तू मेरे को बेटे। हेयर आई कम बेबी, हेयर आई कम। आजा भाई, ये पूरा चेंज हो गया, ये पूरा पिंक हो गया ब्रो, सीरियसली। यस देखो, विज़र्ड का चेहरा बट नीचे एकदम पिंक है बंदा ब्रो। मार देखो, ये बंदा मेरे को टच भी नहीं कर पा रहा गाइस। ये बंदा एक्चुअली कमजोर है, क्योंकि उन तीन भाइयों में सबसे छोटा वाला भाई है। तुम लोगों को याद होगा उस टाइम पे जब ये बंदा विज़र्ड बन के हम पे स्पाई कर रहा था ना, हमारे उसके सीक्रेट बेच रहा था, तो उसके टपली पड़ी थी। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा वाला भाई है उन तीनों में से, लाल हरा और पिंक वाले में से। आजा तो इसको ना पढ़ नहीं रहा शॉर्ट, तू रुक भाई तेरे तो मैं यहाँ पे बैंड बजाने वाला, अब मैं तेरी बैंड दे। तू मुझे कहीं नहीं भाग सकता बेटे, लेट्स गो। हमने इसकी बैंड बजाती है, ऐसे का मेरी आवाज भी जा रही, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा दूर हूँ से। मैंने बस यहाँ पे आसानी से बात करके उनको खुशखबरी सुनाता, कहाँ गया बंदा, आजा मुझे बता फटाफट। अरे यार ब्लाइंडनेस लगी भाई, बच जाएगा बंदा। A few moments later, ये देखो भाई, ये देखो यहाँ पे इसके अंदर की जान भी खत्म हो गई है, इसके अंदर की भाई साहब। भाई ये बंदा यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये पानी लगा होगा तुम लोगों का, पर पानी नहीं है, ये एसिड है। आई मीन लाइक ऐसा कोई खतरनाक वाला एसिड नहीं है, कुछ एसिड यहाँ पे हमको वो देते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोन्स दे रहा है मेरे को ये बंदा, गंदे वाले इफेक्ट्स देते हैं। बट गाइस ये बंदा अब यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज होने वाला है। आजा मेरे बेट भाई, गाइस ये बंदा ना भागने की ट्राई कर रहा है, एंड मैं तुम लोगों को बता रही हूँ उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में पोर्टल है हमारा। ये बंदा मुझसे बहुत दूर निकल रहा है। आजा भाई तू रुक भाई, पिंक कलर का विज़र्ड कितना अजीब लगता है। ऐसे सुनो, आ रही आवाज भाई, आवाज आ रही है, कन्वर्ट हो गया ये बंदा उसमें कन्वर्ट हो गया भाई, परपी में पोर्टल तोड़ देंगे तो यहाँ पे मर ही जाएगा ये। बस ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं इसी के मैं आऊंगा इसके साथ साथ भाई। हाँ वहाँ दिखे बंदा, भाग रहे। रुक तू बेटे, रुक मेरे बेटे, मेरे पास आ गया। पूरा कन्वर्ट हो गया, जा रहा है वापस, जा रहा है। इसको
वो नहीं है रास्ता भाई, वो नहीं है रास्ता। इनफैक्ट ऐसे उसको जाने दो, इस जगह पे तो हमारे को भी खतरा है, इस जगह पे तो हमारे को भी खतरा है। अगर ये पोर्टल से बाहर जाएगा ना, कहाँ गया क्या? अब ये बंदा अगर पानी के बीच जाएगा भी तभी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसकी जो पूरी स्किन है वो चेंज हो चुकी है ऑलरेडी। अब कुछ फायदा नहीं मेरे बेटे, अब तुझे पानी के बीच जा। अभी तू फिर से कन्वर्ट भी नहीं हो सकता, अब ये कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसको फिर से उस जादू टोने की जरूरत पड़ने वाली है। रुको तुम यार, रुक जा। कहाँ, कितना तेज भाग रहा है भाई ये बंदा, कितना तेज भाग रहा है, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा शायद। एग्जैक्टली ये क्या हुआ? अच्छा तो मैं खुद उड़ा, मुझे लगा कि ये उड़ रहा था। रुको रुक जा, पर भी भाई मेरी बात सुन, तेरे को हम लोग मार देंगे यहाँ पे जान से, मैं तेरे को बता रहा हूँ। इसके रॉकेट गैस खत्म हो चुके लिटरली, तू मर जाएगा भी यहाँ पे। हमें सिर्फ इतना जानने की वो विज़र्ड का हमारा असली वाला, तेरे को तू मर जाएगा भी देख ले, बता रहा हूँ मैं, हम बहुत खतरनाक लोग है। तू क्या करेगा, क्या कर, ऐसे इसको पानी में जाने की कोशिश कर, मैं आ गया तेरी पकौड़े, क्या करेगा बता, क्या करेगा बता, है मेरे को बता। रुक जा, बोल रहे तेरे को प्यार, अब कहाँ पे जाएगा भाई? मेरी बात सुन भाई, मुझे पता है तू रेड डेविल और ग्रीन डेविल का भाई है, पर्पल डेविल या परपी, ठीक है ना? तू हमारे एक सवाल का जवाब दे, विज़र्ड को क्या तूने कैप्चर किया हुआ है? तू फेक विज़र्ड बना था? हाँ बोल रहे जियो, हाँ रुक जा, दो सेकंड, एक झटका पड़ेगा ज्यादा। अरे यार मैंने उसको पानी से बाहर निकाल दिया, ऊपर क्यूब फेंक रहे हो भाई उसको, भाई इतने इसको ना, इसको ऐसे इसको ना डराना पड़ेगा लगता है, इसको तो डराना। रुक जा पकौड़े, मैं तो कभी बता रहा, रुक जा, एक जगह खड़ा रहे भाई, तू ज्यादा ना हमको मारने की ट्राई कर, टच नहीं कर पाएगा तू हमको, समझा? अभी कहीं पे नहीं भागने वाला तू, ऐसी हो भी नॉर्मल, इसको पानी चाहिए होता है, बट अभी पानी के बीच इसकी हालत पतली हो रही है, नल्ले को मेरी बात से नल्ले पकड़े बाहर लेने के लिए, गलती से भी नहीं, मैं चल रहा हूँ अंदर, चल अंदर, चल इसका टेबल टेनिस खेल। अब अगर तू हिला गलती से भी, एक जगह खड़ा रहे, एक जगह पे, एक जगह खड़ा रहे, हिलियो मत जो मैंने बोला है, चल तू यहाँ से अंदर रहेगा चुपचाप से। अब मेरी बात सुन, हम लोगों को पूरा सच्चाई बता, सब कुछ एक एक डिटेल में जानना है मैंने, कि तूने ऐसा क्यों किया और तू है कौन है और विज़र्ड के साथ तेरी क्या दुश्मनी है, मुझे फटाफट बता भी अभी। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पर परपी से हम लोगों ने बात करी, पर्पल डेविल से, बाय द वे इसका पूरा नाम यही है, परपी इसको घर में बुलाते हैं प्यार से, इसने मुझे ये चीज बोली। एंड गाइस ये पता क्या बता रहा है ना यहाँ पे, कि इसी ने विज़र्ड को यहाँ पर कैप्चर किया हुआ है, और ये ना, ये आज के दोनों भाई हमारे पे कब से नजर रखे हुए थे, पिछले सीजन से लेकर, जब हम लोगों ने, और तू गोल्ड के ऊपर खड़ा रहा, हिलमत ही मर जाएगा नहीं तो, अभी पिछले सीजन में जब हम लोग डार्क एंटिटीज को कैप्चर कर रहे थे ना, उस वक्त भी ये लोग देख रहे थे, एंड दैट्स व्हाई इन्होंने क्या किया, जैसे ही हम लोग उनको कैप्चर करके बाहर निकले, मैं तो मर गया था वहां पे, और ड्रीम बॉय और एज़ो जैसे ही वहां से बाहर निकले, तो इसको उसके भाइयों ने क्या किया, विज़र्ड को पकड़ा और एक जेल के अंदर कैप्चर किया, और वो भी अधमरी हालत, वो हिल नहीं सकता, बेसिकली इसको स्टिल खड़ा रखा इन लोगों ने ऐसे पानी में, जो साइंटिस्ट वगैरह रखते हैं ना बॉडीज वगैरह को, सेम उसी तरीके से। तो इसने बोला कि भाई उसकी लोकेशन तो एग्जैक्ट इसको भी नहीं पता, इसके दोनों भाइयों को पता है, बट इसने बोला कि तब से लेकर ये बंदा ना हमारे पे नजर रखे हुए थे, एंड विज़र्ड को दूर करना जरूरी था, क्योंकि विज़र्ड के दम पर ही हम लोगों ने उन डार्क एंटिटीज को कैप्चर किया था, तो इसका मकसद ये था, क्योंकि ये भी जानते हैं डार्क एंटिटीज को, और इनका, क्योंकि वो एंटिटीज है और ये डेविल है, तो इन लोगों का प्लान था कि वो लोग वहां से बाहर निकलने चाहिए, ताकि हमारा हिमलैंड हमेशा हॉन्टेड रहे। दैट्स व्हाई इन लोगों ने विज़र्ड को फर्स्ट टाइम पे, लाइक लास्ट, उसके लास्ट सीजन के लास्ट एपिसोड में ही उठा दिया था इन लोगों ने भाई, और तब से लेकर आज तक वो फेक विज़र्ड बन के हमारे साथ था। और अभी गाइस हम लोग इसको जाने नहीं देने वाले, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी गाइस यहाँ पे वो आने वाला अपना कमांडर, और कमांडर इसको लेके जाएगा जहाँ पर हम लोगों ने किंग ओडिन को रखा हुआ है ना, अभी वहीं पर इसको भी हम लोग रखने वाले, अनब्रेकेबल वॉल्स की एक जेल के अंदर, समझा मेरे भाई? और तेरे को वहीं पर रखेंगे, एंड नेक्स्ट एपिसोड में गाइस असली वाले विज़र्ड को ढूंढने में जाने वाला हूं, और उससे मिलेंगे, एंड देखते भाई उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। 8 से 9 महीने हो चुके गाइस, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है मेरे को यार, कि हम लोगों ने विज़र्ड को 8-9 महीने से लेके जेल के अंदर कैप्चर रखा हुआ है, एंड अभी तक हमने उसको ढूंढा ही नहीं यार, बिकॉज ऑफ दिस लूजर। तेरे को लग क्या रहा था, भागा ना भाई गलती से तो मर जाएगा, अभी तू यहाँ पे कमांडर को आने दे, वो बंदा इतना खतरनाक है ना कि तेरे को यहाँ पे पर्पल से पीला कर देगा, देखी तो अभी। सो यार गाइस, दिस इज इट फॉर द वीडियो, अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है
तो वीडियो का लाइक एंड जरूर कंप्लीट करना, जो कि पूरे के पूरे 3 लाख लाइक्स, और इस बंदे को कंटिन्यूसली ऐसे मारता रहेगा जब तक कमांडर नहीं है, मारता रहे इसको, तेरी पैंस की आंख हमारे विजर्ड को पकड़ेगा, है पकड़े नॉर्मल पी पकौड़ा, हमारे विजर्ड को मारेगा तू, तेरी ऐसी की तरह चल खड़ा रहा सेंटर में। सो गाइस मिलते हैं आप लोगों को ऐसी धासु नेक्स्ट वीडियो में, तो से ऑसम है, बाय बाय।